हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके सामने आ गई हूँ आलू और परवल की सब्जी लेकर के। तो देखिए गाइस, इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है और ये मैंने प्याज भी काट लिया है। और गाइस, ये तेज पत्ता है और इसका मैंने ऑयल गर्म होने के लिए दे दिया है। तो गाइस देखिए, इसमें मैंने जीरा और तेज पत्ता डाल दिया है और इसको मैं लाल होने थोड़ा दे रही हूँ। तो गाइस देखिए, ये हमारा लाल हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। गाइस ये मैंने प्याज डाल दिया है, इसमें मैं हरी मिर्च काट कर डालूंगी। दो मैंने हरी मिर्च ली है। तो गाइस देखिए, ये मैंने हरी मिर्च भी काट कर डाल दी है और इसको अच्छे से चला रही हूँ गाइस। तो गाइस, हल्का प्याज भूनने के बाद हम इसमें परवल आलू डालेंगे। अभी इसको मैं 2 मिनट रहने दे रही हूँ। तो गाइस देखिए, अब हमारा प्याज हल्का अलसा चुका है। अब इसमें मैं ये कटे हुए परवल और आलू डाल रही हूँ, जिससे हमारा परवल आलू के साथ साथ प्याज भी अच्छे से देखिए गाइस इसमें क्या होगा, परवल और आलू और प्याज अच्छे तरह से इसमें फ्राई हो जाएंगे और सब्जी का फ्लेवर भी अच्छा आएगा। हम इसको अच्छे से चलाएंगे। तो गाइस इसमें देखिए, मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मैं मसालों को पकाऊंगी गाइस इसी के अंदर। देखिए गाइस, प्याज अच्छे से हमारा गल चुका है। तो गाइस इसमें मैं ये नमक, 2 छोटे चम्मच नमक डाल रही हूँ। देखिए इसमें नमक भी डाल दिया मैंने, इसको अच्छे से मैं मिलाऊंगी और इसको, इसका गैस का फ्लेम हल्का मैंने कर दिया है, इसको मैं ढक के रख दे रही हूँ। 5 मिनट ढकने के बाद हमारा सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है आप देख सकते हैं। देखिए गाइस, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। तो गाइस हमारी सब्जी में अब हम गरम मसाला ऐड करेंगे। तो गाइस देखिए, ये गरम मसाला मैंने ले लिया 1 छोटे चम्मच, इसको मैं अच्छे से मिला रही हूँ। तो गाइस अगर आप चाहें तो इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने धनिया पत्ता ऐड नहीं किया है क्योंकि परवल में मुझे धनिया पत्ता अच्छा नहीं लगता गाइस। तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी सब्जी बनकर तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।